गाइस आज हम देखने वाले हैं क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 नहीं जीत सकती टीम इंडिया, ये टाइटल देने के लिए क्यों मजबूर हो चुकी है आज जरा तो वीडियो में पता लगेगा, देखेंगे साथ में। और आज है इंडिया और बांग्लादेश का पहला वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच, तो करेंगे साथ में रात को 8 बजे एंजॉय, और कल उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। कुछ भी उखाड़ लो लेकिन टीम इंडिया इस साल वर्ल्ड कप नहीं जीत रही, अच्छा बात नहीं है। रणतंत्र शुरू हो चुका है और आपका भाई लौट आया है, भाई का नाम रौनक है, लेकिन ये भाईचारा इस वक्त टीम इंडिया के फैंस में नहीं दिख रहा है। वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम न्यूयॉर्क पहुंच गई है, बल्कि अब तो विराट कोहली ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन लोगों का मानना है कि इस टीम में वो लक्षण नजर नहीं आ रहे जिसे देखकर लगे कि टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। आज की वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे कि क्या वाकई मामला इतना खराब हो गया है कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की जीत का कंटेंडर भी नहीं माना जा रहा है, और आपको मैच बाय मैच बताएंगे कि टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने की राह क्या हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको ये समझा देते हैं कि अब की बार वर्ल्ड कप किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है। वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बात ऐसी है दोस्तों कि ए बी सी डी चार ग्रुप है, यानी कुल मिलाकर 20 टीमें ये वर्ल्ड कप खेल रही हैं। इंडिया वाले ग्रुप ए में हैं, जहां पर हमारे अलावा कनाडा, आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका है। हर ग्रुप से टॉप की दो टीमें आगे बढ़ जाएंगी और सुपर एट में पार्टिसिपेट करेंगी। सुपर एट भी दो ग्रुपों में बांटा जाएगा, यानी आगे जाकर टीम चार के दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर हर टीम अपने ग्रुप की हर टीम से एक एक मैच खेलेगी, और यहाँ पर दोनों ग्रुप में जो टॉप में दो टीमें होंगी वो आगे जाकर सेमीफाइनल खेलेंगी, और फिर फाइनल होगा जहां पर हमें इस टूर्नामेंट का चैंपियन मिलेगा। फिलहाल हम स्टेज वन की बात कर लेते हैं, यानी ग्रुप स्टेज की, जहां पर इंडिया का पहला मैच आयरलैंड से है, जो मानकर चलो कि हम जीत गए। अगला मैच हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, और पाकिस्तान की हम क्या हालत करते हैं वर्ल्ड कप में हमको ये भी पता है। इस वजह से यहां पर भी अगर मैं जीत मानकर चल लूं तो हमारे बचे मैच है अमेरिका और कनाडा के साथ, यानी इंडिया ग्रुप ए टॉप कर सकता है और ए वन टीम बन सकता है। अब अगर हम ये मान लें कि बाकी के ग्रुप में भी कोई उलट फेर नहीं होगा और सबसे मजबूत टीम आगे बढ़ेगी, तो इंडिया का सुपर एट में पहला मुकाबला 20 जून को ब्रिजटाउन में होगा, या वही जगह जहां पर इस साल का फाइनल खेला जाना है। ये मुकाबला सी ग्रुप की टॉप टीम के साथ होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड होगी। इसके बाद हमारा अगला मुकाबला 22 जून को होगा, जो कि डी ग्रुप की सेकंड क्वालिफाइड टीम है, और इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल है। क्लियरली सबसे मजबूत टीम साउथ अफ्रीका है, इसलिए दूसरी टीम श्रीलंका होनी चाहिए, लेकिन अगर एंजेलो मैथ्यूज बढ़िया हेलमेट लेकर नहीं गए तो बांग्लादेश वाले तैयार बैठे हैं, उनको टाइम आउट करके दूसरी टीम बांग्लादेश बैठ सकती है। यानी 22 जून को हमारा मुकाबला श्रीलंका या फिर बांग्लादेश से हो सकता है। हमारा तीसरा मैच 24 जून को बी ग्रुप की दूसरी क्वालिफाइड टीम से होगा। इस ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान है। क्योंकि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारा मुकाबला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ 24 जून को हो सकता है। इन तीनों मैचों में कम से कम दो तो जीतने ही पड़ेंगे आगे जाने के लिए। चलो बांग्लादेश या श्रीलंका से जीत गए, लेकिन बाकी दो टीमें बड़ी खतरनाक है बाबू भैया। न्यूजीलैंड वाले तो वर्ल्ड कप खेलने इसलिए आते हैं ताकि हमको पेल सके, उनको खुद वर्ल्ड कप नहीं जीतना उनकी जिंदगी का मकसद है, हमें भी नहीं जीतने देना। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, छाती चीर के देखोगे तो 19 नवंबर की हाईलाइट मिलेगी। आईपीएल में तो ट्रेविस हेड ने कुछ टीमों को इसलिए वक्त दिया क्योंकि उनकी जर्सी ब्लू नहीं थी, लेकिन यहाँ तो हम फिर से ब्लू जर्सी के साथ खेलेंगे, बताओ। और ये सब तो मैंने आपको ग्रुप स्टेज का बताया, नॉकआउट में हमें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका मिल सकते हैं, सबके सब बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, खासकर इंग्लैंड। खैर, कौन कितना स्ट्रांग है इस मुद्दे पर हम कल बात करेंगे, लेकिन मान लो कि जो हमने आपको शेड्यूल बताया उस हिसाब से क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? क्योंकि कई लोगों को इंटरनेट पर यही लगता है कि अब की बार हमें सेमीफाइनल और फाइनल की टेंशन लेने की चिंता ही नहीं है, क्योंकि अब की बार हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही पुरानी अप्रोच बताई जा रही है जिसकी वजह से हम अभी तक वर्ल्ड कप हारते आए हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी जिन टीमों को वर्ल्ड कप का दावेदार माना जा रहा है, उनकी टीम में एंकर की कोई जगह नहीं है, बल्कि हमने दो दो एंकर भर रखे हैं अपनी प्लेइंग 11 में। बस इसीलिए लोगों को लग रहा है कि जीतने के लिए खाली टैलेंट नहीं, बहुत सारी दुआएं भी लगेंगी। क्या मानना है आपका, कमेंट करके बताओ, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। कल मिलेंगे आज होने वाली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वार्म अप मैच की रिपोर्ट लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फेसबुक पे देख रहे हो, मुझे तो लगता है भारत जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा। मेरा कान अगर ऐसे आ जाता, कान कोई मजाक थोड़ी था, कान गिर के आ जाएगा भाई। देखो लोग कहते रहते हैं, लोग काम है कहना, भारतीय टीम का काम है खेलना, बस ये हम इस चीज को झुठला नहीं सकते कि कितने टाइम से सूखा पड़ा है आईसीसी ट्रॉफी का, लेकिन क्या पता आपकी बार वो तकलीफ दूर हो जाए, और नहीं हुई तो फिर झोला उठा के चल देंगे अगले आईसीसी टूर्नामेंट में। लेकिन अभी उम्मीद लगा रखी हमने, बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। आज वार्म अप मैच में भी टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्या एक अप्रोच, किस तरह की पिचेस हैं, किस तरह का माहौल है, क्योंकि यूएसए में क्रिकेट आईसीसी टूर्नामेंट देख पहली बार देख रहा हूँ मैं तो, क्योंकि वो लेजेंड लीग तो होते रहे, पहली बार पता चला उनकी टीम भी है। किसकी? यूएसए। भाई टीम तो सबकी होती है, वो क्वालिफाई कर, जैसे इंडिया की फुटबॉल टीम है वर्ल्ड कप में कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाती है वर्ल्ड कप के लिए, हर चीज तो देखा भी नहीं। इंडिया यूएसए का हुआ है मैच? तूने आज तक जादू देखा है? नहीं। तो फिर है ना वो जादू, मतलब मैं पूछ रही हूँ हुआ भी है, मतलब
टीम्स खेलती हैं क्वालिफाई करके आगे आना होता है सुपर एट या इस तरीके. अब क्या इन्होंने लंबा टूर्नामेंट कर दिया टी20 वर्ल्ड कप का, यूएसए में करा, यूएसए कोई ना खिलाएंगे यार, तू क्या बात कर रही है, जिसका बैट होता है वो बैटिंग करता है पहले, तू तो अमेरिका में टूर्नामेंट इतना बड़ा हो रहा है यार, कैसी कैसी बातें कर रही है, कैसी अपमानजनक बातें कर रही है यूएसए के लिए. मिलते हैं आंसर कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर.